किसान भाइयों में इसकी एक खास बात आपको बता देता हूँ। आप देखिए ये जो पौधा है सोयाबीन का, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से लेकर आपको इसकी फलियाँ नज़र आएगी, इसके ऊपरी सिरे तक आप देख सकते हैं ऐसा पौधा। हेलो दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अशोक फार्मिंग व्लॉग। किसान भाइयों, आज के एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं सोयाबीन 20/69 वेराइटी। किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा फुटा हुआ है इसमें इस बार, और इस वेराइटी की और ख़ास बात यह है कि इसकी इसमें काफ़ी इल्लियाँ कम लगी है। अब इसका कारण मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि इसमें इल्लियाँ कम क्यों लगी है। तो आप इसकी फलियाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आई है। ये जो फलियाँ है इसमें बारीक बारीक रुएँ होती है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार से रुएँ होती है बारीक बारीक, आपको कैमरे में दिख रही होगी। तो इनके कारण इसमें क्या होता है कि इल्लियों का अटैक फलियों पर कम होता है, पत्ते वत्ते खाती रहती है ये तो। और इसकी एक ख़ास बात है कि इसके पूरे पौधे में फलियाँ होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से लेकर इसमें ये जो पौधा है किसान भाइयों, ये बिल्कुल ज़मीन से लेकर आप इसकी फलियाँ का देख सकते हैं, पौधे में कितनी फलियाँ लगी हुई है, बिल्कुल ऊपरी सिरे तक इसमें फलियाँ होती है। और इसकी मैं अगर बात करूँ इसमें बीज कितना डाला था, इसमें 15 किलो प्रति बीघा का हमने इसमें किसान भाइयों बीज डाला था, जिससे हमें बीज की भी बचत हुई और इसमें हमें एक इल्ली का स्प्रे भी कम करना पड़ेगा, ये हमने किसान भाइयों देख लिया। और अगर मैं बात करूँ इसमें ये लगभग 120 दिन में पक्का तैयार होने वाली एक वेराइटी है। अगर KDS से बात करूँ तो KDS इससे थोड़ा और ज़्यादा समय लेती है, तो अपने लिए किसान भाइयों काफ़ी बेस्ट वेराइटी मेरे सामने निकल कर आई। और अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों जो कि ये वेराइटी है, इसमें हमने लगभग 3 स्प्रे कर दिए और एक स्प्रे और हो सकेगा तो हम करेंगे। कभी मच्छर होते हैं वो, कभी रस चूसक मच्छर जो होते हैं सफ़ेद कीड़े, अगर वो कहीं कहीं पर अगर दिखाई देखने लगेंगे तो हम इसमें स्प्रे हल्का स्प्रे कर देंगे, जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी होगी। और किसान भाइयों इसकी मैं अगर फूलों की बात करूं तो ये सफ़ेद फूल आते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं फूल से भी फलियाँ बन रही है, लगभग 65 डे की हो चुकी है, ऊपर हो चुकी होगी किसान भाइयों लेकिन कम नहीं। और फलियाँ तो इसमें बन चुकी है लेकिन फूल अभी भी कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। किसान भाई इसमें फलियाँ काफ़ी भर भर कर आती है, आप देख सकते हैं वो फुटाव देखिए इस पौधे का, इसका तना काफ़ी मोटा होता है और फुटाव कुछ इस प्रकार से होता है। और बिल्कुल मैं आपको खेत के लिए अंदर से बीच से बता रहा हूँ लाइव, काफ़ी के यूट्यूबर होते हैं जो कि एक साइड से बता देते हैं और किसान को बेवकूफ़ बनाने जैसा काम होता है और किसान भी बेवकूफ़ बन जाता है, तो अपना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और वीडियो काफ़ी छोटी बनाई है किसान भाई, कारण ये है कि मैं आपको बताना चाहता था कि ये वेराइटी 20/69 जो है अपनी काफ़ी अच्छी खड़ी हुई है, 15 किलो प्रति बीघा आपको लगेगी नहीं खेत में, लेकिन हमको पता है जिस समय ये अपनी उगने का समय होता है उस समय हमें काफ़ी मतलब खेत खाली खाली सा लग रहा था कि अन्य वेराइटी के मुकाबले, तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा किया है। अब देखते हैं इसमें उत्पादन हमें कितना देखने को मिलता है। हम 3 साल से इसकी बुआई करते आ रहे हैं और इल्लियों का प्रकोप काफ़ी कम होता है, गटल बिटल इल्ली होती है जो कि कभी लग जाती है, वरना कि ज़्यादा नहीं होता। और देखते हैं उत्पादन के लिए तो कितना होता है और इसकी भी वीडियो में आपको बताऊँगा, वरना कि मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। अगर किसान भाई इस जगह हमने पहले 93.05 की वेराइटी बोई थी और किसानों को चेंज करती रहनी चाहिए वेराइटी, ये स्टैंड तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं अगर चेंज करोगे तो फिर अपनी वो वही पीला मोजक और उसमें स्टैम्प फ्लाई में ख़त्म हो जाएगी। तो खेत में हर साल अपने को 2 साल में तो एक बार चेंज करनी चाहिए सोयाबीन। और आपको भी स्टैंड लेना है किसान भाइयों कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जुड़े रहिए।